दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। छावनी परिषद सुबाथु में जनता के लिए बनने वाले कम्युनिटी हॉल की जब शुरुआत ही खराब होगी तो ऐसे में आगे के कार्य पर जनता कैसे विश्वास कर सकेगी। ये सवाल शनिवार को उस समय खड़ा हुआ जब छावनी परिषद के पार्षद सुमित गिल के सामने आदत बाजार में बनाने वाले कम्युनिटी हॉल के डंगे की एक साइड गिर गई। इसके बाद पार्षद सुमित गिल ने छावनी परिषद व ठेकेदार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए डंगा लगाने के दौरान अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया है। सूचना के बाद परिषद के जेई भी मौके पर पहुंचे। छावनी परिषद के जेई सिद्धार्थ ने बताया कि मौके का निरीक्षण कर जेसीबी मशीन से उस हिस्से को गिरा दिया गया है और डंगे में जहां तक दरारें पड़ी हैं उस हिस्से को भी दोबारा से गिराकर नया डंगा लगाने के लिए संबंधित ठेकेदार को निर्देश दे दिए गए हैं। मैं पार्षद सुमित गिल, कल अचानक जब मैंने देखा, मैं बस स्टैंड के नजदीक से गुजर रहा था तो अचानक देखा जो कैंट छावनी परिषद द्वारा एक डंगा लगाया जा रहा है वो अचानक ही धराशायी हो गया, जिसके बाद तुरंत मैंने छावनी परिषद को कॉल करके वहाँ पर जो अधिकारी उनको बुलाया, बुलाने के बाद पाया कि उसमें जो घटिया मटेरियल पाया जा रहा था, उसके बाद जो है तुरंत उसे दोबारा से गिराकर दोबारा नया बनाने के आदेश दिए गए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुबाथू से कपिल गुप्ता की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।